रमजान पाकिस्तान, रमजान पाकिस्तान। اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة
के नाम से, उस पाक परवरदिगार के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। रसूल ईमान लाया उस चीज पर जो उसकी तरफ अल्लाह ताला की जानिब से उतरी, और मोमिन भी ईमान लाए। ये सब अल्लाह ताला और उसके फरिश्तों पर और उसकी किताबों पर और उसके रसूलों पर ईमान लाए। उसके रसूलों में से किसी में हम तफरीक नहीं करते। उन्होंने कह दिया कि हमने सुना और इताअत की, हम तेरी बख्शिश तलब करते हैं ऐ हमारे रब, और हमें तेरी ही तरफ लौटना है। अल्लाह ताला किसी जान को उसकी ताकत से ज़्यादा तकलीफ नहीं देता। जो नेकी वो करे वो उसके लिए, और जो बुराई वो करे वो उस पर है। ऐ हमारे रब, अगर हम भूल गए हों या ख़ता की हो तो हमें ना पकड़ना। ऐ हमारे रब, हम पर वो बोझ न डाल जो हमसे पहले लोगों पर डाला था। ऐ हमारे रब, हम पर वो बोझ ना डाल जिसकी हमें ताकत ना हो, और हमसे दरगुजर फरमा, और हमें बख्श दे, और हम पर रहम कर। तू ही हमारा मालिक है, हमें काफिरों की कौम पर गलबा अता फरमा। नाज़रीन कराम, तिलावत कुरान करीम सूरह बकरा की आयात नंबर 285, 286 की तिलावत की यहाँ पर शफकतुल्ला कादरी साहब ने। कारी साहब, बहुत शुक्रिया आपका। और नाज़रीन कराम, इसी तिलावत कुरान करीम और इसकी बरकत से बाकायदा आगाज़ हो रहा है हमारी 13वीं सहर नशरियात का। अल्हम्दुलिल्लाह, इस वक्त पाकिस्तान के हर बड़े शहर में, हर छोटे बड़े गांव देहात में, हर गली कूचे में, पाकिस्तान के कोने कोने में, जहां जहां इस वक्त पाकिस्तान टेलीविज़न की ये सहर नशरियात देखी जा रही है, इसके अलावा पाकिस्तान से बाहर जहां जहां मेरे प्यारे पाकिस्तानी अपने वतन से, अपने प्यारे मुल्क से दूर हैं, रमज़ान की इस खूबसूरत रौनकों से दूर हैं, लेकिन वो अपने घर में सब महसूस कर रहे हैं। इस ट्रांसमिशन के थ्रू आप तमाम लोगों को और हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के थ्रू यानी यूट्यूब वगैरह के थ्रू जो जो लोग इस वक्त हमारी ट्रांसमिशन देख रहे हैं, आप सबको मुजना चीज राबिया अनम की जानिब से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। नाज़रीन किराम, हम गुफ्तगू रोजाना करते हैं कि अपने दीन को बेहतर कैसे करना है, अपने ईमान को बेहतर कैसे करना है। नाज़रीन किराम, हम इबादतों का जिक्र करते हैं कि कैसे अपना वक्त ज्यादा से ज्यादा इबादतों में गुजारना है, और इबादतों के अलावा जो रोजमर्रा के मामूलात हैं यानी मामूलात जिंदगी, उनमें भी इस तरह से रहना है या उसमें भी इस तरह से वक्त गुजारना है कि खुदा ना ख्वास्ता अल्लाह की कोई नाफरमानी ना हो जाए। सारे काम दीन की रोशनी में करने हैं। ये तमाम इबादत और रोज़मर्रा की ज़िंदगी जिस तरीके से हमें गुजारनी है, वो तो हम इस पर यकीनन बात करते हैं, रोज़ाना नए मौजूआत होते हैं। लेकिन नाज़रीन कराम, जो सबसे बेहतरीन इबादत होती है वो उस वक्त होती है जब आप तवाना होते हैं। इसलिए कहते हैं जवानी में ही जितनी इबादतें हैं वो अल्लाह को भी बहुत पसंद हैं, जो जवानी में इबादतें की जाती हैं, क्योंकि उस वक्त आप तवाना होते हैं, आपका जो दिमाग है वो सही चल रहा होता है, आप फोकस्ड होके इबादत कर पाते हैं, आपकी सेहत आपको इजाज़त देती है कि आप अच्छे तरीके से रोज़े रखें, तमाम इबादतें करें। अगर आप हज पर जा रहे हैं तो कहते हैं कि जो जवानी में किया हुआ हज है वो बेहतरीन तरीके से लोग मुकम्मल कर पाते हैं, क्योंकि एनर्जी होती है आपके अंदर। नाज़रीन कराम, ये जो जवानी की इबादतें हैं, इसको इसलिए
ज्यादा लोग पसंद भी करते हैं, उसके बारे में बात की जाती है, क्योंकि आपकी सेहत आपका साथ दे रही होती है। और नाज़रीन कराम, ये जो सेहत है, इसके लिए कुरान करीम में इरशाद है, जो हम खाना पीना खाते हैं वो हमारी सेहत का सबसे इम्पॉर्टेंट जुज़ बन जाता है, कि ए अहले ईमान, जो पाकीज़ा चीज़ें हमने तुमको अता की हैं उनको खाओ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इब्ने आदम पेट से ज़्यादा किसी बर्तन को नहीं भरता। इब्ने आदम के लिए तो बस इतना ही काफ़ी है कि वो इतना खाए कि उसकी कमर सीधी रहे। बस अगर बहुत ही करना हो तो पेट का एक तिहाई खाने के लिए, 1/3 पेट का एक तिहाई खाने के लिए, फिर एक तिहाई पानी के लिए और एक तिहाई सांस की आमदो रफ्त के लिए। तिर्मिज़ी शरीफ में यह हदीस मुबारका है। तो नाज़रीन कराम, बड़े वाज़े तरीके से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और मैं आपको हमेशा कहती हूँ कुरान ज़ाब्ता हयात है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी ज़िंदगी हमारे लिए एग्जाम्पल है। आज जो हम ये रोज़ा रखे हुए हैं, ये अब जाकर अंग्रेज़ों को रियलाइज़ हुआ और पूरी दुनिया को रियलाइज़ हुआ कि रोज़े से तो सबसे बेहतरीन सेहत अगर आपको चाहिए तो वह आप फास्टिंग से हासिल कर सकते हैं। पहले सवाल होता था, और लोग यकीनन, मैंने बहुत सारी ऐसी वीडियोस देखी हैं जिसमें बहुत बड़े बड़े मारूफ लोग हैं दुनिया भर से, जो सवाल कर रहे हैं कि ये किस किस्म का दीन है जो कि अपने ही बंदे को कहता है कि आप पूरा दिन भूखा रहें, पूरा दिन बिल्कुल भूखा नहीं रहना चाहिए। अब वही लोग हैं जो कह रहे हैं कि नई रिसर्च की है, हमने नई रिसर्च से ये पता लगाया है कि अगर आप 16 से 18 घंटे रोज़ाना भूखा रहें तो आपकी बॉडी नए तरीके से सेहतमंद होना शुरू हो जाती है। नाज़रीन कराम, एक जगह शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह का एक वाक्य है जो मैं आपको दिमाग में आया तो मैंने कहा मैं आपसे शेयर करूँ सेहत के ही बारे में। हमें अपने वेट को कंट्रोल करना चाहिए, सेहत का ख्याल रखना चाहिए। दो अफराद थे, वो गुजर रहे थे एक जगह से, और एक उसमें से ज़रा कमज़ोर शख्स था, एक काफ़ी मोटा था, और जो हुक्मरान था उस जगह का, उसको लगा कि ये शख्स, ये जो दोनों अफराद हैं, ये कहीं जासूस ना हो, कहीं दुश्मन की तरफ से ना भेजे गए हों। तो अभी कुछ पता नहीं लगा था उनके बारे में, लेकिन उनको कैद कर दिया गया, और कैद भी ऐसा किया गया कि काफ़ी दिन के लिए वो जो मज़बूत दीवार बना दी जाती थी पहले जेल की जगह, वो बनाकर उन दोनों को कैद कर दिया गया। फिर ज़रा पता लगा आसपास से तो मालूम हुआ कि जी ये जासूस नहीं है, ये तो यहाँ से गुज़र रहे थे। कुछ दिन गुज़र चुके थे इस बात को जब तक ये पता लगाया, तो जब वो पहुँचे वहाँ पर लोग कि अब इस दीवार को हटाया जाए, तोड़ा जाए और पीछे से इनको निकाला जाए, क्योंकि कई दिन हो गए थे वो भूखे और प्यासे थे, क्योंकि उन्हें इस नियत के साथ वहाँ पर बंद किया गया था कि वो भूख और प्यास की हालत में मर जाएं। बहुत दिन गुजर चुके थे और वो जब दीवार हटाई गई, बल्कि तोड़ी गई, तो पीछे से जो वो मोटा, उस वक्त के हिसाब से सेहतमंद इंसान था, वो मर चुका था, लेकिन जो कमज़ोर इंसान था वो बिल्कुल ठीक ठाक था। हाँ, लाग़िर हो चुका था लेकिन ज़िंदा था। तो पता ये चला कि जो वो जो मोटा शख्स था वो इस कदर खाया करता था कि वो डिपेंड करता था, हर वक्त थोड़ी देर में उसे भूख लगती थी और उसे खाना चाहिए होता था, कि वो कुछ दिन भी ज़िंदा नहीं रह सका और वो दुनिया से चला गया। जो कमज़ोर शख्स था वो वैसे ही बेचारा, बहुत कम ही उसको कुछ अच्छा खाने को मिलता था, और वो रूखा सूखा जो भी मिल जाता वो खा लेता था, अपनी ज़िंदगी गुजार रहा था। जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हदीस मुबारका में इरशाद है कि बस इतना खाओ कि कमर सीधी रख सको, और हम तो इतना खाते हैं कि हमारी कमर सीधी ही नहीं रहती, हम बैठने के काबिल नहीं रहते। हम रमज़ान में उस दिन अज़राहे मज़ाक अफ्तार ट्रांसमिशन में भी ये जिक्र कर रहे थे कि हम पूरा दिन एनर्जेटिक होते हैं और अफ्तार के बाद हमारी हालत बुरी हो जाती है, इसलिए कि जो हम खा रहे हैं वो बुरा खा रहे हैं। अगर अल्लाह ने आपको नेमतों से नवाजा है तो उसका ख्याल करें, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें, और ये नेमत, ये जान, ये जिस्म, ये सब अमानत है आपके पास, आपके ऊपर फ़र्ज़ है कि आपने इसका ख्याल रखना है।
और ये भी दीन का पहलू है, ये भी दीन का हिस्सा है। हम सेहत को, बीमारियों को भूल जाते हैं कि ये भी हमारे दीन का हिस्सा है, इसको हमने दुनियावी चीज़ बना लिया है। हमारी सेहत और सेहत का ख्याल रखना लाजमी दीन का हिस्सा है। उलमाए कराम से इस पर मज़ीद भी इंशाल्लाह बात करेंगे, लेकिन आप सब जानते हैं कि हमारी सहर नशरियात का बाकायदा आगाज़ होता है कसीदा बुर्दा शरीफ के चंद अशार से, और ये कसीदा बुर्दा शरीफ पेश करते हैं हमारे पास कारी असदुल हक साहब और सना सैयद साहिबा, जो इस वक्त घरों में मौजूद लोग हमें देख रहे हैं। आप सबसे दरख्वास्त है, एक तो दुरूद शरीफ जितना हो सके पढ़ा करें, जब अपने लिए अपने हक में दुआ मांगें अपने अहले खाना के लिए, तो मुझे भी अपनी फैमिली समझ के और मेरी इस फैमिली को अपनी फैमिली समझ के, ये जो हमारी टीम है जो आपके लिए नशरियात को पेश करती है, इन सब के लिए भी दुआ किया करें। लेकिन सबसे ज़्यादा दुआ मुमलकत खुदादाद मेरे प्यारे वतन पाकिस्तान के लिए। बिस्मिल्लाह। مولايا صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولايا صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق خير الخلق كلهم.
शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आप दोनों का। नाज़रीन कराम, हमारी ये सहर नशरियात जारी और सारी है। ये पहला ब्रेक इंशाल्लाह, आप सब जानते हैं कि इस ब्रेक के बाद हमारा वज़ाइफ़ का सेगमेंट होता है जिसे आप बहुत पसंद करते हैं। बहुत सारे सवालात आप भिजवा रहे हैं और मैं यकीनन उसे शामिल करूँगी अपने इस सेगमेंट में वज़ाइफ़ के एक ब्रेक के बाद, जिसमें आगा मिन्हाज साहब भी तशरीफ़ फरमा होंगे। देखते रहिए रमज़ान पाकिस्तान। वेलकम बैक, एक बार फिर खुश आमदीद रमज़ान पाकिस्तान में। और ये है हमारा वज़ाइफ़ का सेगमेंट। हम पूछते हैं कोई भी आपका मसला हो और उसके बारे में आपको वजीफ़ा पूछना हो, दुआ पूछना हो, दुआ का तरीका क्या है, किस सलीके से दुआ मांगनी चाहिए, कौन सी अदाएँ हैं, वो तमाम चीज़ें हम डिस्कस करते हैं अपने सेगमेंट में आज। क्योंकि हम सेहत के बारे में बात करें, बीमारियों के बारे में बात करें, तो कुछ वो वाले सवालात भी मैं इंक्लूड करूंगी। बहुत सारे आपके सवालात यकीनन आपने मुझे कई दिन से भेजे हुए हैं, अगर मैं उनको थोड़ा लेट इंक्लूड करती हूँ तो मैं माफ़ी मांगती हूँ, नाराज़ ना होइएगा। बहुत सारे नाराज़गी वाले मुझे आगा साहब मैसेजेस आना शुरू हो गए, प्रोटेस्ट वाले कि आप पूछ नहीं रही, तो आप कुछ दिन वेट करें, हो सकता है अगली ट्रांसमिशन्स में आपका मैं सवाल पूछ लूँ, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे सवाल हमारे पास हैं सेहत से मुतालिक। क्योंकि आज बात हो रही है तो पहला सवाल उसी से मुतालिक है। ये हमारी बहन है, वो कहती हैं कि मुझे बिल्कुल भूख नहीं लगती और कई कई दिन तक जो खाओ वो वॉमिट हो जाता है, बाहर निकल आता है वॉमिट के ज़रिए, तो इसका कोई वजीफ़ा भी बताते हैं और ऐसा क्यों होता है वैसे। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि बारिक व सल्लिम अलैहि। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकात। आप इस वक्त ट्रांसमिशन में माशाल्लाह शरीक हैं और ये वक्त जो है सहर का है और अशरा जो है वो मग़फ़िरत का है, और इस वक्त जो वजीफ़ा है वह है अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी बिकुल्ले ज़म्बी व अतूबु इलैह। तो कसरत के साथ अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ना है और सलातुत तस्बीह के बारे में मैं रोज़ाना ताकीद करता हूं। सलातुत तस्बीह के बारे में आगा साहब सवाल आया हुआ है, बहुत सारे लोगों ने कहा है कि आगा साहब कहते हैं सलातुत तस्बीह पढ़ें, वो पढ़ना कैसे, लेकिन ये इसके अगले वाले मरहले में बताइएगा। तो सलातुत तस्बीह जिन्होंने पढ़ना अभी तक शुरू नहीं किया वो भी शुरू कर दीजिए, और जिन्होंने अभी तक कुरान पाक की तिलावत शुरू नहीं की, क्योंकि अभी तो माशाल्लाह मुझे पता चला है बहुत सारे माशाल्लाह मैसेजेस आए हैं कि अशरा रहमत जब ख़त्म हुआ तो एक कुरान पाक माशाल्लाह लोगों का ख़त्म हो गया, अब दूसरा पारा जो है, दूसरा कुरान पाक जो है वो 20वें रोज़े तक इंशाल्लाह तबरक ख़त्म हो जाएगा। तो नुज़ूल कुरान पाक का ये महीना है, उम्मत का महीना है, और वैसे कुरान पाक कभी ख़त्म नहीं होता, ये तो पूरे साल चलता रहता है। इस माह मुबारक में चूँकि नुज़ूल कुरान पाक का महीना है तो इसमें हम कोशिश करते हैं कि एक दो तीन कुरान पाक जो है वो ख़त्म करके इसको इसाले सवाब किया जाता है। वैसे मैं एक बात अर्ज़ करूँ बहन, इसको इसाले सवाब किया जाता है अपने मरहूमीन को, जो भी आपने पढ़ लिया उसके बाद इसको इसाले सवाब कर लीजिए अपने मरहूमीन के लिए। अच्छा, जिन बहन को या जिन भी हजरात को भूख नहीं लगती, तो भूख ना लगने के पीछे बहुत सारे अवामिल हैं, बड़े सारे सिम्टम्स हैं। तो इसमें बहुत सारे लोग कहते हैं नज़र बद की वजह से भूख नहीं लगती, कुछ लोग कहते हैं जादू की वजह से भूख नहीं लगती, कुछ लोगों को जिगर की खराबी की वजह से भी भूख नहीं लगती, किसी को मैदे की खराबी की वजह से भूख नहीं लगती, किसी को डिप्रेशन और टेंशन की वजह से भूख नहीं लगती। वजीफे के लिए मैं आपको बता दूँ, अजवा खजूर अगर आपको कहीं से मिल जाए कि मदीने शरीफ में ये खजूर पाई जाती है, हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने इसका जो दरख्त है इसका जो बीज अपने हाथ से लगाया था, तो जो भी मदीने शरीफ जाता है वो दो चीज़ें वहाँ से लेकर आता है, एक तो जमजम लेकर आता है और एक अजवा खजूर लेकर आता है। और अजवा तो हर जगह बहुत इजीली तो अवेलेबल है माशाल्लाह हर जगह अल्हम्दुलिल्लाह। तो पहले तो ये था कि जो हज और उमरे पे जाया करते थे वही अजवा खजूर लाया करते थे, अब तो माशाल्लाह हमारे पाकिस्तान में हर जगह पर माशाल्लाह ये अच्छी क्वालिटी, कई क्वालिटीज़ में अच्छे दामों में अवेलेबल है।
तो अजवा खजूर और जमजम, इसको आप अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें। अगर अजवा खजूर बहुत महंगी है, अफोर्डेबल नहीं है, आपकी अप्रोच में नहीं है, तो कोई बात नहीं। लेकिन जमजम अगर आपकी अप्रोच में है, तो इंशाल्लाह आप यकीन कीजिएगा कि मैदा, जिगर और दीगर आज़ाए रिसा, बॉडी के तमाम ऑर्गन्स, भूख का ना लगना या बदहजमी का हो जाना या खाने के बाद बार बार वॉमिटिंग्स का होना, एपेटाइट का कम हो जाना या बदहजमी, जो भी आपकी जो भी बीमारियां हैं या जो भी अवामिल हैं या जो भी सिम्टम्स हैं, तो अजवा खजूर और जमजम के इस्तेमाल से इंशाल्लाह तबारक व ताला बहुत फ़ायदा होगा। हर नमाज के बाद 29 टाइम्स कुरान पाक की सबसे छोटी सूरा, जिसको सूरह कौसर कहा जाता है, अगर वो भी कसरत से पढ़ लिया कीजिए हर नमाज के बाद 29 टाइम्स अव्वल व आखिर दुरूद पाक पढ़ के, जमजम के ऊपर दम करके, पानी पे दम करके उसको पिलाएंगे, तो इंशाल्लाह भूख खुल जाएगी। और 6 आयात शिफा में अक्सर व बेशतर ये वजीफ़ा तकरीबन रोज़ ही बताता हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ जो भी सेहत से रिलेटेड सवाल आते हैं, तो कुरान पाक की वो आयात जिनका शिफा से बड़ा गहरा ताल्लुक़ है, वो आपके घर में पंचूरा हो, दसूरा हो, मदनी पंचूरा हो, इवन आप गूगल पे 6 आयात शिफा लिखते हैं तो वहाँ पर आपको एक वीडियो मिल जाती है, एक पेज मिल जाता है, उसमें कुरान पाक से रिलेटेड आयात से रिलेटेड 6 आयात शिफा याद, अगर हर वालदा, हर बच्ची, हर बहन इसको याद कर ले और याद करके उसको अपनी ज़बान के ऊपर अजबर कर ले, तो 6 आयात शिफा सूरह फातिहा के साथ, आयतल कुर्सी के साथ, चारों कुल के साथ, 29 मरतबा सूरह कौसर के साथ, हर तरह के मामले के लिए पढ़ के पानी पे दम करके पिए, अपने पेट पे हाथ रख के भी अगर इसको दम करके, अपने पेट पे हाथ रख के पढ़ें और उसके बाद उसको दम करें, तो आपको इंशाल्लाह मिनट्स के अंदर रिलीफ मिलता है। लेकिन सारी बात अकीदे की है कि अगर आपके ऊपर आपका अकीदा इसके ऊपर है तो। अच्छा, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि अब नई नई रिसर्च, जैसे मैं अपने इंट्रोडक्शन में कही थी, इंटरमिटेंट फास्टिंग जो अब दुनिया भर में की जा रही है और लोग बिल्कुल कहते हैं कि जी ये बेस्ट तरीका है और लोगों ने अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लिया। मैं खुद इंटरमिटेंट फास्टिंग करती हूँ एंड आई थिंक आई फील एनर्जेटिक। उसमें ये होता है कि अगर आपने रात 7 बजे अपनी आखिरी मील खाई है, तो उसके बाद अब आप उसको अच्छा खासा गैप देंगे और फिर अगले दिन आप कोई 12 बजे के बाद ही अपनी पहली मील खा सकते हैं। तो आपने ख़ुद को भूखा रखना है जब तक आपको बहुत भूख ना लगे। और फिर ये रिसर्च तो अब आई है हमारे लिए, तो ये कायनात का सबसे बड़ा तोहफा है जो रोज़ा हम रखते हैं, रमज़ान गुजारते हैं। इसी तरह बहुत सारी और रिसर्चेज आई हैं, लोगों ने अब रियलाइज़ करना शुरू किया है, जो ज़ाहिर है पहले हमारे वक्त में लोग नहीं करते थे। और ये भी सवाल करते हैं जी ये अब सब हो गया, ये लैक्टोज इंटॉलरेंट है, यानी कि आप वो दूध, नॉर्मल डेयरी प्रोडक्ट्स नहीं पी सकते। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको ये वॉमिट होती है या खाने के फौरन बाद ये थ्रो अप, वो लैक्टोज इंटॉलरेंट होते हैं, किसी को ग्लूटेन से एलर्जी होती है। तो अगर आप किसी अच्छे शहर में रहते हैं, बड़े शहर में, तो एक टेस्ट होता है, वो भी आप करवा लिया करें, जो कि फूड एलर्जी का टेस्ट होता है। हो सकता है कोई ना कोई खाना आप ऐसा खा रहे हो जो आपको सूट ना कर रहा हो, नॉट दिस केस स्पेसिफिकली, क्योंकि ये तो कह रही है कुछ भी नहीं खाने का दिल चाहता। लेकिन कुछ लोग होते हैं ना कि आपने कोई चीज़ खाई, आपको एलर्जी फील हुई, आपको वॉमिट हो गई, आपको नहीं वो एक्सेप्ट कर रही आपकी बॉडी, तो हो सकता है आपको किसी खाने से एलर्जी हो जो आप बहुत यूज़ कर रहे हैं, तो फिर आप इस तरह के टेस्ट भी करवा सकते हैं। ज़ाहिर है हमारे गाँव देहात जहाँ जहाँ ट्रांसमिशन देखी जा रही है वहाँ पर तो ऐसा नहीं होगा, लेकिन बड़े शहरों में अब ये बड़े अस्पतालों में सहूलत मौजूद है। तो अगर आप किसी बड़े शहर में मौजूद हैं या पाकिस्तान से बाहर, तो ये टेस्ट करवा सकते हैं। सलात व तस्बीह, आगा साहब आपने बताना कि तरीका क्या है सलात व तस्बीह का, तो वो प्लीज़ बता दें, क्योंकि आप रोज़ाना कहते हैं कि सलात व तस्बीह पढ़नी चाहिए। हर मसले का हल सलात व तस्बीह में मौजूद है और उसको पढ़ने का तरीका इंतहाई आसान है। ये जैसे हम 4 रकत नफिल पढ़ते हैं ना, जैसे जोहर असर मगरिब में, जोहर असर और ईशा में 4-4 फ़र्ज पढ़ते हैं, ऐसे आप 4 नफिल की नियत करेंगे सलात व तस्बीह की, और उसमें अल्लाहु अकबर कह के 15 दफ़ा, यानी कि पहले आप सना पढ़ेंगे, सना पढ़ने के बाद 15 मरतबा पढ़ेंगे सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर, सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर, जिसको तीसरा कलमा जिसको कहते हैं ना, वो आपने सना के बाद 15 मरतबा पढ़ना है। उसके बाद आपने सूरह फातिहा पढ़नी है, उसके बाद कोई एक सूरह मिला लें। तो अगर पहली रकत है तो सूरह काफिरून, दूसरी है तो सूरह इखलास, तीसरी है तो सूरह फलक, चौथी है तो सूरह नास, इस सीक्वेंस के साथ पढ़ें तो आपको और पढ़ने में ज़्यादा मज़ा आएगा और आप भूलेंगे भी नहीं। तो पहली रकत में सना के बाद 15 मरतबा आपने पढ़ना है तीसरा कलमा सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। उसके बाद आप सूरह फातिहा पढ़िए, सूरह काफिरून पढ़िए, उसके बाद कयाम है और 10 मरतबा आपने सूरह के बाद फिर 10 मरतबा यही पढ़ना है सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। ये कयाम में 25 टाइम्स 25 मरतबा हो गया। उसके बाद आप रुकू में जाएंगे सुबहान रब्बियल अज़ीम, उसके बाद 10 मरतबा पढ़ेंगे, उसके बाद समी अल्लाहु लिमन हमीदा, ये पढ़ने के बाद रब्बना वलकल हम्द, उसके बाद 10 मरतबा पढ़ेंगे, उसके बाद सजदा उला पहले सजदे में
तस्बीहात के बाद सुभान रब्बी अल आला के बाद 10 मरतबा, उसके बाद दोनों सजदों के दरमियान जब हम बैठते हैं अल्लाहु अकबर करके फिर 10 मरतबा, और उसके बाद फिर जब सजदा सानी यानी कि दूसरा सजदा सुभान रब्बी अल आला 3 मरतबा पढ़ने के बाद फिर 10 टाइम्स सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर, तो एक रकत में 75 टाइम्स और 4 रकत में 300 टाइम्स 300 मरतबा, और इसमें अतयात में 2 अतयात हैं दूसरी रकत में और चौथी रकत में, उसमें यह नहीं पढ़ा जाएगा। और अगर आप गिनती भूल जाते हैं तो उसके लिए तरीका ये है कि आप अपनी उंगलियों का इस्तेमाल काउंटिंग में कर सकते हैं, इसमें कोई कबाहत नहीं है। और ये बहुत अच्छे काउंटर अगर आप उंगली में पहनते हैं उससे भी हाँ वो भी कर सकते हैं, क्योंकि आपने इसकी तादाद का ख्याल रखना है, क्योंकि ये सूरह ये जो 300 टाइम्स है एक रकत में 75 मरतबा सलातु तस्बी को आपने इसी के ऊपर कैलकुलेट करके पढ़ना है, तो उसके लिए आपको काउंटर करना ज़रूरी है। तो इंशाल्लाह ये पढ़ने के बाद 100 मरतबा दुरूद इब्राहिम ही पढ़ लीजिए, या छोटा दुरूद पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़िए, अल्लाह तबरक व तआला से गिड़गिड़ा के दुआ कीजिए। हमारे यहाँ माशाल्लाह पाकिस्तान में ये कल्चर है कि हमारे यहाँ शबे मेराज आती है, बड़ी रात आती है, शबे बारात आती है, और ये पूरे रमज़ान जो है पढ़ने वाले तो पूरे रमज़ान पढ़ते हैं, आखिर की 5 रात ताकों 5 ताक रातों में पढ़ते हैं, लैलतुल जायजा जो ईद की चांद रात होती है, जब उजरत इनाम मिलती है, उजरत मिलने वाली रात, और रबीउल अव्वल के दिनों में पढ़ते हैं, मुहर्रम के दिनों में 9-10 मुहर्रम को पढ़ते हैं। तो ये ऐसी फायदेमंद चीज़ है कि आप हर मकसद के लिए सलातुल तस्बीह को अपनी जिंदगी में शामिल करें, कभी भी इंशाल्लाह ना उम्मीद ना उमराद नहीं होंगे। अच्छा, इंस्टाग्राम पे सब मैसेज आया है, वो कहती है कि आई हैव बीन वॉचिंग योर शो रमजान पाकिस्तान एंड आई हैव अ क्वेश्चन फॉर आगा साहब। आई हैव 2 डॉटर्स एंड हैव बीन लुकिंग फॉर देयर रिश्तास फॉर 2 ईयर्स, बट एवरी टाइम आई वुड रीच समवन देयर वुड बी नो रिस्पॉन्स फ्रॉम द अदर साइड। कुड आगा साहब प्लीज लेट मी नो अ वजीफा एंड अ दुआ रिगार्डिंग माई डॉटर्स मैरिज। जी मैं बिल्कुल इंशाल्लाह बताता हूँ। रिश्तों के लिए बेहतरीन वजीफा जो मैं उमूमन बताता हूँ, अभी हमारे यहाँ 11वां रोज़ा जो गुजरा तो उसका वजीफा मैंने पहले ही बताया हुआ था कि 11वें रोज़े को 12 नमाजें 12 रकत पढ़नी होती है, और हर रकत में सूरह फातिहा के साथ जो है वो सूरह इखलास पढ़नी है 1 मरतबा, और उसके बाद जब आप पूरी 12 रकतें पढ़ लेंगे 2-2 करके, उसके बाद आप 100 मरतबा दुरूद इब्राहिम ही पढ़ेंगे और अल्लाह तबरक व तआला से दुआ करेंगे। ये तो था ये 11वें रोज़े का वजीफा, लेकिन अल्लाह तबरक व तआला ने ऐसा कहाँ लिखा है कि हम ये पूरे रमज़ान नहीं पढ़ सकते। आप रोज़ाना ये वजीफ़ा अगर तरावी के बाद 12 नफिल पढ़ लीजिए सलातल हाजात बराए बेहतरीन रिश्ता, तो इंशाल्लाह करम हो जाएगा। असर मगरिब के दरमियान अगर या अल्लाह हो या रहमान हो या रहीम हो या करीम हो पढ़ के अल्लाह तबरक व तआला से गिड़गिड़ा के दुआ करें तो बेहतरीन रिश्ता आ जाएगा। सलातुल तस्बीह के बारे में जैसा मैंने कहा कि सलातुल तस्बीह रोज़ाना पढ़ के बच्ची अपने लिए दुआ करें, इंशाल्लाह बेहतरीन रिश्ता आ जाएगा। और ये वक्त जो तहज्जुद का होता है, इस वक्त जब पूरी दुनिया सो रही होती है और आप जब उठ के ठंडे पानी से वजू कर रहे होते हैं और अल्लाह तबरक व तआला की रहमत को अपनी तरफ मुतवज्जा कर रहे होते हैं, मांगने का वक्त है, जो चाहे सो मांगे। आपके मांगने में कमी हो सकती है, मेरे परवरदिगार के यहाँ देने में कोई कमी नहीं हो सकती, बहुत अच्छे अच्छे रिश्ते आपको मिल सकते हैं। तो वो वक्त जो है उस वक्त आप उठ के 2 नफिल तहज्जुद के अदा कीजिए, उसके बाद फजर का इंतजार कीजिए, फजर की नमाज पढ़िए 100 मरतबा सुभानअल्लाह व बिहम्दिही सुभानअल्लाही अज़ीम पढ़ें, क्योंकि ये भी रिस्क है। मैं बार बार एक बात बताता हूँ, ये अल्लाह तबारक व तआला की तमाम नेमतें जो हैं वो रज़ाक है, उसके रिस्क का उसने वादा किया है। तो उस वक्त आप ये या अल्लाह हो या रहमान हो या रहीम हो या करीम हो का विर्द रखें, उसके बाद इशराक के 2 नवाफिल पढ़ें, चाश्त के 2 नवाफिल पढ़ें, और इंशाअल्लाह तबरक व तआला बहुत ज़्यादा करम हो जाएगा। सारी चीज़ें हम इसलिए बताते हैं, ऐसा नहीं है कि आपने अगले दिन से सब कुछ करना है। ये आगा साहब सारे ऑप्शंस बताते हैं आपके लिए। एक सवाल जो बहुत सारे लोग भेज रहे हैं आगा साहब, वो है मन्नत मांगना कैसा है और मन्नत मांगने का सही तरीका क्या है, मतलब किस तरह मन्नत मांगे, क्या मन्नत मांगे। और जैसे हमने उस दिन डिस्कस किया कि ऐसा भी कभी कभी होता है कि बहुत जज्बात में कहते हैं जी मैंने 100 रोज़े रख लेने हैं या इतने हज़ार मैंने नफिल पढ़ लेने हैं, और फिर वो हो नहीं पाता। तो फिर वो उलमाए कराम से ज़ाहिर है हम डिस्कस भी करेंगे किसी दिन कि फिर उसका क्या कफ़ारा है, लेकिन मन्नत मांगने का तरीका क्या है। कहीं कुछ जगहों के ऊपर इतना लिवरेज हमें मिलता है कि हम अल्लाह तबरक व ताला से वो चीज़ मांगने के लिए एक मन्नत का सहारा लेते हैं कि या रब्बुल आलमीन अगर मेरा ये काम हो गया तो मेरी हैसियत के हिसाब से मैं उम्रा करा दूंगा, किसी को किसी गरीब की शादी, किसी बच्ची की शादी करा देंगे, उसका जहेज़ की तैयारी कर देंगे। अगर हम अपनी जान से कर सकते हैं तो 10 रोज़े रख लेंगे, हम अपनी जान से कर सकते हैं तो 100 नफिल शुक्राने के पढ़ लेंगे, 6 महीने में पढ़ लेंगे, पूरे साल में पढ़ लेंगे, ज़रूरी नहीं कि एक रात में पढ़ लेंगे। मैंने तो ऐसे ऐसे लोगों को देखा है कि या रब्बुल आलमीन अगर ये मेरा काम हो जाए तो मैं 3 दिन के अंदर जो है वो इतने 100 नफिल पढ़ूंगा और 1000 लोगों को। भाई अल्लाह तबरक व तआला ने अगर उसको दिया है, उसकी जान को इतनी इस्तेआत है, उसके माल में इतनी वसत है, तो परवरदिगार से अगर वो ये मन्नत मान ले और उसका काम हो जाए तो वो कर ले।
तो अल्लाह तबारक व ताला से मन्नत का सहारा लेने में कोई कबाहत नहीं है, ये हमारी शरीयत का एक हुक्म भी है और एक हिस्सा भी है। मगर वही बात जो अभी हमारी बहन ने बड़ी अच्छी बात कही कि जज्बात में आकर जो है ना हम बड़े बड़े वादे कर लेते हैं और फिर जब काम हो जाता है तो फिर वो काम हम नहीं कर पाते। तो ऐसे छोटी छोटी मन्नतें जो आप आसानी के साथ कर सकें कि मैं इतने भूखों को खाना खिला दूंगा, इतनी बच्चियों की शादी करा दूंगा, इतने मैं रोज़े रख लूंगा, इतने कुरान पाक ख़त्म करा दूंगा, इतनी मस्जिदों के अंदर तामीर में हिस्सा ले लूंगा, इतने भूखों को सदके का खाना खिला दूंगा, तो जो आप आसानी से कर सकें तो वह मन्नत का सहारा ले लें। किराए का मकान है और बहुत अरसे से कोशिश कर रहे हैं कि अपना मकान ख़रीद सकें लेकिन हो नहीं पा रहा, अपना मकान ख़रीदने का या हो सके उसका वजीफ़ा बता दें। अच्छा मकान जिनके पास नहीं है, एहसास कमतरी का शिकार ना हो ना। और अच्छा मकान लेने के लिए मैं एक वजीफ़ा बता देता हूँ और मैं इतने वसूख से बता रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन कि ये वजीफ़ा करने के बाद आप इंशाल्लाह साल दो साल के अंदर देखेंगे कि कुछ ना कुछ रास्ते कहीं ना कहीं से कोई हीला वसीला इंशाल्लाह बन जाएगा। सूरह आराफ़ की आयत नंबर 10, सूरह आराफ़ आयत नंबर 10, वलकत मकन्नाकुम फिल अर्द वजअलना लकुम फीहा मआइश कलीलम मा तशकुरून, इशा के बाद 100 मरतबा अगर ये पढ़ लीजिए। सूरह आराफ़ आयत नंबर इसकी है 10, वलकत मकन्नाकुम फिल अर्द वजअलना लकुम फीहा मआइश कलीलम मा तशकुरून, सूरह आराफ़ की आयत नंबर 10। तो ये आप रोज़ाना अगर आप बहुत ज़्यादा मकान के ख्वाहिशमंद हैं तो आप इशा की नमाज के बाद 40 मरतबा या 100 मरतबा या बहुत ज़्यादा अगर आपके घर वाले मिल के पढ़ें तो 313 मरतबा और अल्लाह तबारक व ताला से दुआ कीजिए कि अगर हमारे हक में बेहतर है तो हमें अपना अच्छा मकान अता फरमा तंदुरुस्ती के साथ, आफियत के साथ, ईमान के साथ। तो नाज़रीन किराम एक ब्रेक, ब्रेक के बाद इंशाल्लाह आगा साहब आपका बहुत शुक्रिया। ब्रेक के बाद आप सब जानते हैं उलमाए किराम यहाँ पर होंगे, मारूफ नाथवा यहाँ मौजूद होंगे, कलाम भी सुनेंगे, अच्छी बात भी करेंगे। आज हम सेहत के मौजू पर डिस्कस करें और मैं बहुत मुंतज़िर हूँ कि मैं सुनूँ कि उलमाए किराम क्या कहते हैं कि दीन में सेहत के हवाले से क्या अहकाम हैं, इस पर बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। रमज़ान पाकिस्तान में वेलकम बैक जनाब, एक बार फिर आपको रमज़ान पाकिस्तान की सहर नशरियात में एक बार फिर खुश आमदीद कहेंगे और अल्हम्दुलिल्लाह आज 13वीं सहर नशरियात हम कर रहे हैं और यहाँ हम हर मौजू डिस्कस करते हैं दीनी एतबार से, उस पर गुफ्तगू करते हैं ताकि मेरी और आपकी ज़िंदगी कुछ बेहतर हो सके। और मुझे अब तक जितना फीडबैक आ रहा है वो यही है कि ख़वातीन बहुत बड़ी तादाद में हमारी ट्रांसमिशन देखती हैं, उसकी एक ये वजह भी मुझे लगती है कि मर्द हज़रात सो रहे होते हैं आराम से क्योंकि ख़वातीन सारी तैयारी कर रही होती हैं। तो भाई सलाम है उन तमाम ख्वातीन को जो कि उठकर तैयारी करती हैं। मर्द हजरात से भी रिक्वेस्ट है कि ज़रा कुछ हाथ बटाया करें, बेगमात का भी, और अगर बहनें हैं घर में उनका भी हाथ बटाया करें, माँ है तो उनका भी साथ दिया करें। और वो तैयारी करती हैं, सहरी बनाती हैं, अफ्तारियाँ बनाती हैं, हमारी बड़ी फरमाइशें होती हैं, एक लिस्ट है सहरी और अफ्तारी की, जी सहरी में ये कुछ होना चाहिए, अफ्तार में ये सब होना चाहिए। हमने अपनी ज़िंदगी का मकसद रमज़ान में बना लिया कि जी सहरी में क्या खाएंगे, अफ्तार में क्या खाएंगे, कितनी डिशेस होनी चाहिए और फ्राइड आइटम्स भी हम खा रहे हैं, मतलब हमने ये सोच लिया है कि यही है रोज़ा। अब हम तो इस पर पहले रोज़े से बात कर रहे हैं और मेरे मौज़ज़ मेहमान जो हैं वो भी मुस्कुरा रहे हैं कि भाई हम यहाँ पर हाथ जोड़ जोड़ कर कह रहे हैं कि रोज़ा क्यों रखते हैं हम और आप इस पर क्या कर रहे हैं। तो आज ज़रा हम कुछ गुफ्तगू को लाइटर नोट पे भी रखेंगे ताकि जो मुसलमान कौम है हमारी, जो पाकिस्तानी है, वो थोड़ा समझ जाएँ कि भाई रोज़ा क्यों है और आज हम सेहत पर बात कर रहे हैं।
तो बहुत सारे लोग हैं हमारे इर्द गिर्द जिनकी सेहत का वो हाल है कि एक जगह से दूसरी जगह उनसे वॉक करवा दी जाए तो वो थक के बैठ जाते हैं कि जी बहुत हो गया। तो ज़रा आज बात करते हैं और मैं कोशिश करूँगी कि आज हम लाइटर नोट पे ज़रा गुफ्तगू रखें ताकि लोगों को हमारी बात हो सकता है समझ इंशाल्लाह आ जाए। सेहत पर बात कर रहे हैं, बीमारी पर बात कर रहे हैं और कितनी ज़रूरत है वो स्ट्रिक्ट मैं चाहूँगी कुछ दीनी एतबार से भी कुछ पहलू हम ज़रूर टच करें कि क्यों इतना ज़्यादा जोर दिया गया है सेहत के हवाले से दीन में। मेरे बहुत ही मुअज़्ज़ज़ मुफ्ती नूर रहमानी साहब हमारी सहर नशरियात का ऑलमोस्ट बाकायदा हिस्सा हैं, जिस दिन ये नहीं होता है मैंने बहुत मिस करते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलामु अलैकुम। डॉक्टर मोहम्मद सुहेल शफीक साहब मौजूद हैं, हमें बहुत खुशी है कि आप आज हमारी सहर नशरियात का हिस्सा हैं। मेरे बड़े अच्छे भाई हैं, हम फेसबुक फ्रेंड्स हैं, वहीं पर हमारा जो भी हम एक दूसरे को जान रहे होते हैं क्या चल रहा है इनकी ज़िंदगी में, क्या चल रहा है मेरी ज़िंदगी में, और मैं हमेशा मुंतज़िर रहती हूँ कि कोई नशरियात हो और हम इन्हें बुलाएँ। असद अयूब साहब हैं, मुल्क का बड़ा नाम है, मारूफ नात ख्वाँ हैं, सना ख्वाँ हैं और हमेशा बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही बाअदब तरीके से, जो बहुत ही बेहतरीन तरीका है नात ख्वानी का, वो ये पूरा हक अदा करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज गुफ्तगू का आगाज़ आप दोनों की इजाज़त से सर आपसे। सुहेल साहब, हमने रोज़े को जहाँ अब पूरी दुनिया में इंटरमिटेंट फास्टिंग के ऊपर इतनी रिसर्चेज हो गई हैं कि लोग कह रहे हैं कि भाई ये बेहतरीन है, इस यही करना चाहिए, इसी से आपकी जो है बॉडी फिट रहती है, 16-18 आवर्स का आपको जो है फास्ट करना चाहिए, हम इम्प्रेस हो रहे हैं कि चलो जी इंटरमिटेंट फास्टिंग पे लग जाओ। हमें तो इतना खूबसूरत तोहफ़ा, कायनात का एक बहुत बड़ा तोहफ़ा हमें मिला है रोज़ा, हमें रमज़ान के पूरे जो महीना मिला है 30 रोज़े, क्या कहेंगे क्या बताएंगे, कितनी ज़रूरी है अपनी सेहत का ख्याल रखना और माह मुबारक में तो ख़ास तौर पर हमें इस पर बात करनी चाहिए। बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया, बहुत अहम मौजू का आपने इंतखाब किया। असल में दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक वो कि जिनकी ज़िंदगी का मकसद खाना पीना होता है और एक वो होते हैं कि जो जीने के लिए खाया करते हैं। तो शायद हमारा शुमार जो ना दूसरी तरह के लोगों में, पहली तरह के लोगों में होने लगा है कि हम शायद खाने पीने के लिए ही ज़िंदा हैं। और रमज़ान मुबारक का ये जो महीना है, जो ख़ास तौर पर रोज़े के हवाले से है कि जिसमें अल्लाह ताला ने मुकर्रर कर दिया दिन का एक वक्त कि इसमें आप खाने पीने से गुरेज करें, तो उससे पहले और उसके बाद हमने वो सारी कसर पूरी करना शुरू कर दिया। यहाँ मैं एक बात की तरफ तवज्जो दिलाना चाहूँगा कि इस्लाम के बारे में हम बड़े तसलसल के साथ, तवातुर के साथ ये कहते हैं कि इस्लाम दीन फितरत है, और दीन फितरत का मतलब ये होता है कि एक ऐसा दीन है इस्लाम का, ये एक ऐसा इम्तियाज़ है कि जो आपकी जिस्मानी, ज़हनी और रूहानी तमाम ज़रूरियात को की कफालत करता है, तमाम ज़रूरियात के लिए काफ़ी है, उसके तमाम तकाज़ों को वो समझता है। और यही वजह है कि अल्लाह ताला ने ये जो इबादात का निज़ाम रखा है, रमज़ान का एक महीना साल में हमें जो दिया है और उसमें रोज़े जैसी जो इबादत हैं वो इंसानी सेहत के लिए एक बुनियाद की हैसियत रखती है कि पूरा साल जो हम बे एहतियातियाँ करते हैं, इस माह मुबारक में इस इबादत के ज़रिए से हम अपनी ज़िंदगी में वो तवाज़ुन लेकर आ जाएँ जो दरअसल इस्लाम को मतलूब है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारकों को देखा जाए तो मालूम होता है कि आप कम खाने, कम सोने, कम गुफ्तगू करने को पसंद किया करते थे और यही आपका उस्वा हसना है। हदीस मुबारक है और बहुत अहम हदीस है जिस पर हमें गौर करना चाहिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक ताकतवर मोमिन के मुकाबले में, एक ताकतवर मोमिन एक कमज़ोर मोमिन के मुकाबले में अल्लाह ताला को ज़्यादा महबूब है। अब यहाँ जिस चीज़ का जिक्र किया गया है कि ताकतवर मोमिन यानी जिस्मानी लिहाज से वो फिट हों, तो अगर आप इस पर गौर करें तो मालूम होगा कि इसमें कितनी चीज़ें पोशीदा हैं, कितनी हिकमत इसके अंदर रखी है। और इस्लाम उन असबाब को इख्तियार करने का हुक्म देता है जिनसे आप जिस्मानी तौर पर फिट रहें, जिस्मानी तौर पर आप मुतवाजन सेहत के साथ ज़िंदगी गुजारें, क्योंकि ये अल्लाह ताला की एक ऐसी नेमत है जिसका इंसान को एहसास उस वक्त होता है जब ये नेमत हमारे पास नहीं रहती होती। और एक जिस्म की सूरत में ही अल्लाह ताला ने इतनी बड़ी नेमत दे रखी है कि जिसका कोई नेमुल बदल भी नहीं है। ज़िंदगी की जो मुसरतें हैं, जो खुशियाँ हैं, जो तगोदो है और जो उम्मीद है, वो इसी सेहत की नेमत से वाबस्ता है। अरबी ज़बान में एक बड़ी अच्छी कहावत भी है कि जिसके पास सेहत होती है
उसके पास उम्मीद होती है और जिसके पास उम्मीद होती है उसके पास तमाम चीज़ें होती हैं। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि उम्मीद आपको जीने का हौसला भी देती है, आगे बढ़ने, काम करने, तमाम दुनिया की नेमतों से इस्तेफादा करने का मौका भी देती है। और जब ये चीज़ आपके पास ना रहे, आप देख लें कि एक बीमार शख्स वो अपने तमाम मामूलात को छोड़ देता है, ज़िंदगी में आगे बढ़ने की जो उम्मीद है वो ख़त्म हो जाती है, उसके लिए जो जद्दोजहद होना चाहिए उसकी कुव्वत उसमें बाकी नहीं रहती है। और इसी तरह से फिर इबादत वो भी सही तौर पर अदा नहीं की जा सकती है। नमाज पूरी एक तरह की एक्सरसाइज है, एक मश्क है जो अल्लाह ताला ने आपके ऊपर लाजिम कर दी है कि नमाज में खुशू और खुजू के ज़रिए आप रब का कुर्ब हासिल करें, और जो उसकी प्रैक्टिस है वो आपको जिस्मानी तौर पर भी फिट रखने में मदद देती है। इसी तरह से हज की इबादत को देख लें, अब एक कमज़ोर शख्स के लिए मनासिक हज से उस तरह लुत्फानंदोज़ होना, उस तरह उसकी बरकतें हासिल करना, उसको मुकम्मल तौर पर अदायगी करना एक मुश्किल काम है, लेकिन जिस शख्स में ताकत हो, जिस्मानी तौर पर वो सेहतमंद हो, वो बेहतर तौर पर अंजाम दे सकता है। इसी तरह जिहाद का मामला है, इसी तरह ज़िंदगी के तमाम मामूलत का है। यही वजह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक ताकतवर मोमिन एक कमज़ोर मोमिन के मुकाबले में अल्लाह ताला के नज़दीक ज़्यादा पसंदीदा है, और वो नेमतें जिनका एहसास इंसान को उनके छिन जाने के बाद होता है उनमें से एक इंसान की सेहत ही है कि जब वो नहीं रहती तो फिर इंसान को उसकी कदर कीमत का एहसास होता है। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया। मैं मुफ्ती नूर रहमानी साहब आपसे एक और पहलू पर भी बात करना चाहूँगी। हमने गज़ा की तो जैसे मैंने मजाक में भी बहुत सारी चीज़ों को डिस्कस किया, लेकिन हमने सिर्फ गज़ा में नहीं अपने साथ दुश्मनी कर रहे, बहुत सारे जो नौजवान नस्ल है, और आप क्योंकि डायरेक्टली नौजवान नस्ल को ज़ाहिर है वो सुनते भी हैं आपकी बात, और आई एम श्योर कि बड़ा इन्फ्लुएंस होते होंगे, बात समझते होंगे, मानते होंगे। कुछ आदात हमने ऐसी अपना ली हैं, अब एक नई चीज़ जो वेप के नाम से आ गई है। मैंने इतने सारे दोस्तों को, इतने लोगों को परेशान देखा है कि उनके बच्चे 7-8 क्लास में वो ज़िद कर रहे हैं कि मुझे वेप चाहिए, और वेप में कोई नुकसान नहीं है। फिर तंबाकू नोशी यानी सिगरेट नोशी इस कदर ज़्यादा हो गई है, फिर छालिया का इस्तेमाल कराची में, तो फिर वो गुटखा और मावा, मतलब तो ये तो अपने साथ दुश्मनी है, और अपनी जान के साथ दुश्मनी का फिर ऐसे लोगों के साथ क्या होगा الرحيم। تمام تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالی کے لیے اور درود و سلام اللہ کے رسول ہم سب کے آقا ہم سب کے مولا حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اچھا آج میں بحیثیت طبیب اور حکیم میں آپ سے بات کروں گا۔ ہاں جی، کیونکہ آپ کا تو وہ والا بھی زبردست جی شعبہ طب سے جو تعلق ہے، تو اب ہم شروع کرتے ہیں وضو سے۔ بالکل، اور پھر آپ کے سوال کا جواب۔ اب ناظرین اور بالخصوص نوجوان، میں اپنے بھائیوں سے اور میں اپنی بہنوں سے اور میں قوم کی بیٹیوں سے بات کروں گا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسواک کو پسند فرمایا کرتے تھے۔ آج کل بہت سارے جو امراض ہوتے ہیں وہ منہ کے ذریعے ہوتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں بہت سارے بچوں کے دانت میں کیڑا لگ جاتا ہے، یا پائریا ہوتا ہے، یا ہم کہتے ہیں کیڑا بھی نہیں ہوتا، دانت میں درد بہت زیادہ ہوتا ہے، جسے ہم کہتے ہیں پائریا وغیرہ کا درد ہوتا ہے۔ اگر آپ مسواک میں پیلو یا زیتون کی لکڑی کا استعمال کریں گے تو آپ ان امراض سے محفوظ ہو جائیں۔ اچھا، بہت سارے لوگ ہمارے نوجوان ہوتے ہیں جو سائنس کے جن کو پرابلمس ہوتی ہیں، موٹر سائیکل رائڈر خاص طور پہ ہوتے ہیں میرے بھائی، اور ان کو سانس میں اب کراچی میں یا پاکستان میں جگہ جگہ مٹی بہت زیادہ ہے، کیا کریں؟ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت میں آپ کی رہنمائی ہے، اور کچھ سنت میں ہمیں رہنمائی نظر نہیں آتی تو ہماری عقل کا فطور ہے۔ نبی کی ہر سنت حکمت سے خالی نہیں ہے، یہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ناک میں پانی چڑھایا کرتے ہیں۔ میں نے ایک ریسرچ دیکھی، ناک کے اندر بال ہیں، آپ جانتے ہیں یہ بال فلٹر کا کام انجام دیتے ہیں۔ بالکل ایسا ہی ہے، جب آپ ناک میں پانی چڑھاتے ہیں تو آپ کا جو فلٹر صاف ہو جاتا ہے۔ گاڑی میں اگر فلٹر خراب ہو جائے، چوک ہو جائے تو گاڑی مسنگ کرتی ہے، اسی طرح ناک کے فلٹر خراب ہو جائیں تو سانس لینے میں تکلیف ہوتی ہے۔ آپ کو بھر بھر کے آپ سانس لے رہے ہوتے ہیں یا سر میں نزلہ جمع ہو جاتا ہے، اگر ناک کی نرم ہڈی تک آپ پانی چڑھائیں گے، بحث طبیب میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں، کبھی آپ کو سر کا نزلہ نہیں ہوگا، اور سر کے آدھے درد جو درد شقیقہ جسے کہتے ہیں آپ اس سے محفوظ ہو جائیں گے۔ کیا بات ہے، یہ آپ ذہن۔ اچھا، دوسرے بلڈ پریشر شوٹ کرتا ہے۔ میں نبی اسلام کی وہ حدیث پڑھتا تھا اور سنتا تھا علماء سے کہ آپ کو غصہ آئے تو آپ وضو کر لیں،
अब मैं वैसे तभी मैंने इस पर रिसर्च करी तो ये कि यहाँ ये देखिए आप देखें ये प्रेशर पॉइंट्स हैं यहाँ, इसी तरह पैर के अंदर भी प्रेशर पॉइंट्स हैं। जब आप पानी से इन प्रेशर पॉइंट्स को धो रहे होते हैं तो आपका जो ब्लड प्रेशर शूट कर रहा होता है वो आहिस्ता 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 एतदाल की तरफ आ रहा होता है। ये आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और अच्छा मैंने एक हदीस पढ़ी, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुखारी के अंदर वो हदीस है कि सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन मौजूद हैं, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमाए बैठे हैं और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहर में या आप जो पानी से सर्कुलेट कर रहा है पूरे बाग के अंदर वहाँ अपने अपने पैर मुबारक को डाला। अच्छा, अब इससे होता क्या है, वो लोग जो जो बहुत ज़्यादा ज़हनी काम करते हैं, ज़हनी थकावट जिनको बहुत ज़्यादा हो जाती है, अगर वो अपने पैरों को चलते हुए पानी में रखेंगे कुछ देर तो ज़हनी थकावट दूर होना शुरू हो जाएगी। क्या बात है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी वजू का हर स्टेप जो आप बता रहे हैं उसका फायदा है, हर फायदा है। अब आइए नमाज की तरफ। बहुत सारे लोगों को कॉर्टिलेज लेयर, यानी कि हमारी रीढ़ की जो हड्डी है इसमें एक लेयर होती है कॉर्टिलेज लेयर उसे कहते हैं। आप देखते होंगे अक्सर लोग जो है ना बैठ गए तो इस तरह खड़े होते हुए तकलीफ होती है उनको, ठीक है, या फिर उनके जोड़ों में दर्द बहुत ज्यादा हो रहा है। अब यहाँ एक बात मैं आपको अर्ज करता चलूँ, देखें इसकी सबसे बड़ी वजह बरकत में कमी है, बरकत नहीं है। सेहत में बरकत होना बहुत बड़ी बात है, बिल्कुल ऐसा, और आज इस कौम में सेहत की बेबरकती बहुत है। 18 साल का नौजवान बच्चा या बच्ची हमसे कहती है हमें चक्कर आते हैं, ऐसा ही है, जिसम में दर्द बहुत ज्यादा है, ज़हनी थकावट बहुत ज्यादा है, उसकी सबसे बड़ी वजह ये कि जो एक बला जो इसको हमें अच्छी तरीके से यूज करना था उसका नेगेटिव यूज बहुत ज्यादा है। आपकी कंसंट्रेट जो है वो मुस्तकिल इस पर लगी हुई है, चारों तरफ रेजिस हैं, लाइट्स हैं बॉडी के अंदर इंक्लूड हो रही हैं, हमारी जो पोटेंशियल पावर है वो डिक्रीज हो रही है। इस पर रिसर्च करी, नबी अलैहि सल्लतु वसलाम सजदे को पसंद फरमाते हैं, अल्लाह भी सजदे को पसंद फरमाते हैं। ज़मीन के अंदर सक करने का मादा है, जब आप नमाज में होते हैं सजदे में जाते हैं, जैसे आप सजदे में जाते हैं जो आपकी थकावट है, जो एनर्जी है नेगेटिव एनर्जी, मैं क्योंकि बहसियत हकीम बात कर रहा हूँ, बिल्कुल जो नेगेटिव एनर्जी है वो ज़मीन सक करना शुरू हो जाती है और मेंटली तौर पे आप पावरफुल होना शुरू हो जाते हैं, बिल्कुल ऐसे। अब आइए कमर के दर्द के हवाले से नमाज के अंदर, मैं क्योंकि बाबा अर्ज़ कर रहा हूँ मैं बहसियत हकीम बात कर रहा हूँ, इसमें अमेरिकन के जो रिसर्च एक इदारा था उन्होंने रखा कि हम किस तरह कॉर्टिलेज लेयर को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं, हमारे जोड़ों का दर्द खत्म हो जाए। तो उन्होंने कहा अपनी बॉडी को इस तरह सीधा खड़ा करें जिसे हम कयाम कहते हैं नमाज में, और इस तरह बॉडी को इस तरह कमर को बिल्कुल सीधा करें, यानी टांगे इस तरह हो कमर इस तरह हो। दिन में आप 10 से 15 मरतबा जब बॉडी को इस तरह मूव करेंगे तो आपकी कॉर्टिलेज लेयर स्ट्रांग हो जाएगी। अक्सर लोग खड़े होते हैं या बैठे होते हैं झुकते नहीं हैं, जिसकी वजह से कॉर्टिलेज लेयर खराब हो जाती है, उनको कमर की तकलीफ होती है। साइंस आज बता रही है, मेरे मुस्तफ़ा मुझे 1450 साल पहले बता चुके हैं, ये मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज हम ज्यादा खाने को सहज समझते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि, मैंने जब किताब बाबु तिब आप हदीस के अंदर पढ़े, कुर्बान जाऊं नबी के खाने का अंदाज, आज मुसलमान समझता है कुलू वशरबू, खाओ पियो और डर जाओ, और भाई अगली आयत भी है वला तुसरिफू, इसराफ ना करो। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने सुना होगा नाज़रीन, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 5 खजूर खा रहे हैं, 7 खजूर इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके साथ दूध इस्तेमाल कर रहे हैं, मैदे के लिए बेहतरीन गिज़ा है। और मैं आपको एक बता दूं, अक्सर लोगों को यहाँ पर सूजन आ जाती है, ये सूजन जो होती है ये अल्सर की निशानी होती है, क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूँ मैं वैसे तबीब बात कर रहा हूँ, बिल्कुल ठीक है। ये सूजन किस तरह ख़त्म हो, मैं आपको वो नुस्खा कि जो मैं ख़ुद भी इस्तेमाल करता रहा हूँ, देखिए मैं आपको बताता हूँ, जिससे डॉक्टर साहब है ना, ये राबिया बहन आप या असद भाई आप, अब मैं आपको बताता हूँ, नाज़िन तवज्जो रखिएगा, कुछ शख्स उसकी ड्यूटी इस तरह है, वो बैठा हुआ है इस तरह झुका हुआ है, ये तो खाने में बेएतदाली है, आप सही से एतदाल से खा नहीं रहे, आप मुस्तकिल इस तरह बैठे हैं, जब आप बैठे तो सूजन जो मैदे का मुँह है उस पर हल्के आहिस्ता आहिस्ता सूजन आना शुरू हो जाती है आपके है। इस तरह बैठने के अंदाज से, बिल्कुल ठीक है। अब उस सूजन को किस तरह उतारें, कुरान ने कहा व तीन व जैतून, हमें कसम इंजीर की, वो शख्स जिसको मैदे का अल्सर होगा मेरे नबी इंजीर को पसंद फरमाया करते थे,
आप सुबह निहारमो 3 इंजीर का इस्तेमाल करें. अच्छा, वो शख्स कि जिसकी गर्मी में हिद्दत, जिसकी बॉडी में हिद्दत बहुत ज़्यादा, गर्मी बहुत ज़्यादा, वो अगर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिजाज क्या है, हुजूर ककड़ी इस्तेमाल कर रहे हैं, इंजीर खा रहे हैं, हुजूर खजूर ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं तो ककड़ी या खीरा इस्तेमाल कर रहे हैं, उसकी वजह रिसर्च क्या है? वो क्योंकि उसकी तासीर ठंडी है, एक की तासीर गर्म है. ये देखिए, हम नबी पाक सल्लल्लाहु मुझे बता रहे हैं, मसला यह है कि मैंने कभी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को पढ़ा नहीं है. अच्छा, नबी अलैहिस्सलाम तलबीना बहुत इस्तेमाल फरमाया करते थे. बिल्कुल, जो और ड्राई फ्रूट्स वगैरह. जो ड्राई फ्रूट्स, शहद, जौ का दलिया, सैयदी आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह ने वो शेर कहा है ना, जौ का दलिया सूखी रोटी. जौ का दलिया आपके लिए बेहतरीन गिजा है. मेरे वो भाई जिनको मैदे का अल्सर, और खुदा ना खासा कोई मरीज हमारा देख रहा है प्रोग्राम जिसको कैंसर भी है, आपको कैंसर में भी रिलीफ मिल जाएगा अगर आपको मैदे की तकलीफ है. आप जौ का दलिया, अगर आपको शुगर नहीं है तो आप शहद, जौ का दलिया और खजूर आप इस्तेमाल कीजिए निहार में, तो इंशाल्लाह जो मैदे की तकलीफ है वो आपकी आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाएगी. अच्छा, एक और टिप बता रहा हूँ, आपका मैदे में भारीपन आ जाता है, बहुत अच्छा मशवरा दे रहा हूँ, रोज़ आप इफ्तार करें खजूर से, पानी या दूध, उसके बाद छोड़ दें. आप एकदम आप फौरन खाना खाना शुरू हो जाते हैं या दही बड़े छोले खाते हैं, उससे आपका मैदा खराब होता है. इशा तरावी के बाद आप हल्की सी डाइट लें, बिल्कुल, और 3 से 4 या 4:30 बजे फिर आप सहरी तनावुल करें. हाँ। और उसमें अपनी डाइट का ख्याल रखें. मुझे उम्मीद है कि आप बेहतरीन इंसान, बेहतरीन मोमिन बन जाएंगे. उस दिन किसी ने ऐसे एक वो मीम जो हम आजकल देख रहे होते हैं बनाई हुई थी कि मुसलमानों तुम पर रोजे फर्ज किए गए हैं, पकौड़े नहीं, तो रोजों का ख्याल रखो, पकौड़ों के बारे में सोचना छोड़ दो. असद भाई, आपसे कलाम की दरख्वास्त है. बिस्मिल्लाह. رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ الصبح بدا Allah.
ला इलाहा रमजान पाकिस्तान की सहर नशियात में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे और आप सब जानते हैं ब्रेक के बाद ये जो सेगमेंट होता है ये होता है मुकाबला तकरीर। हमारे जो मौजूद मेहमान हैं बन जाते हैं जजेस और ये बड़ा मुश्किल काम है, जाहिर है कभी कभी मुश्किल होता है, कभी कभी आप हमारे लिए बहुत आसान कर देते हैं। तो आज देखते हैं क्या मामला होता है, लेकिन आज जो टॉपिक है उसकी तो क्या ही बात है। टॉपिक है जी गुलशन फातिमा के फूल हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। तो जनाब देखते हैं क्या तकारीर आप लोग पेश करते हैं। जो कंटेस्टेंट्स मौजूद हैं फातिमा खान, महानूर महमूद और लारेब सज्जाद, आप तीनों के पास आपकी तकरीर के लिए होगा 2.5 मिनट। सबसे पहले फातिमा खान आपसे गुजारिश के आइए और अपनी तकरीर का आगाज कीजिए। बिस्मिल्लाह। 15 रमज़ान 3 हिजरी मदीना मुनव्वरा, हज़रत अली करमुल्ला वजहो और मखदूमा कायनात खातून जन्नत सैयदा फ़ातिमतुज़्ज़हरा सलामुल्ला अलैहा के गुलशन के फूल हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की विलादत होती है। ख़ानदान नबूवत के अज़ीम चश्मो चिराग सरवर दो आलम के नवासे सिप्त रसूल सिप्त अकबर रहानतुर रसूल अमीरुल मोमिनीन सैयदना अलीउल मुर्तज़ा शेर खुदा और जनाब फ़ातिमतुज़्ज़हरा सलामुल्ला अलैहा के लखते जिगर सरदार नौजवान जन्नत शहसवार दोश रसूल फ़ातिमा के गुलशन के फूल फ़ातिमा के नूर नज़र सखियों के सखी इस्तकामत के जबलो ओहद इस्तकलाल के नैयर ताबा बुलंदियों के मुंतहा शबी मुस्तफ़ा हसन वो कि जिसकी विलादत पर सबसे ज़्यादा खुशी रसूल अल्लाह को हुई, हसन वो कि जिनका नाम खुद रसूल अल्लाह ने रखा, हसन वो कि जिनको घुट्टी रसूल अल्लाह ने अपने लुआबे दहन की दी, हसन वो कि जिनका नाम आसमानों से उतारा गया, हसन वो कि आज से पहले कायनात में किसी का नाम हसन नहीं था। सदरे अली वक्कार, किरदार में अली का अंदाज, शुजात में हाशिम का जलाल, इस्तकलाल में अबू तालिब के तेवर, ईमान यकीन में अब्दुल मुत्तलिब का नक्शा, इस्लाम का खतीब, सुलह का नकीब, कुरान का मुफस्सिर, उम्मत का मुसलह, काबा का मुहाफिज, सीरत रसूल का ऐसा वारिस कि हुजूम मसाइब में तान उतंस के बावजूद हुदैबिया की तारीख दोहरा कर सुलह की, कुरान मजीद की आयतें और मुरसल आज़म आपकी अजमत की गवाही दे रही हैं, आयत ततीर आपकी इस्मत की गवाही दे रही है, आयत मुबाहिला आपकी सदाकत का ऐलान कर रही है, आयत सुलह आपके किरदार पर रोशनी डाल रही है, सूरह दहर आपकी सखावत का कसीदा पढ़ रही है। आप इतने सखी थे कि दरवाजे पर आए साहिल के कहे बगैर उसकी हाजत पूरी कर देते, आप इतने सखी थे कि अपनी जिंदगी में अपना दो बार अपना तमाम माल अपनी तमाम जमा पूंजी राह खुदा में दे दी। महक बसी है फजा में फातिमा के गुलशन की, एक फूल खिला है हसन आए हैं और उतर रहे हैं मलाइक मुबारक देने, हुजूर से भी सुना है हसन आए हैं फातिमा के गुलशन में हसन आए हैं। शुक्रिया। क्या बात है माशाल्लाह। फातिमा आपको ये तकरीर ये कंटेंट किसने दिया, खुद लिखा है? हैरान कौन है, हैरान कौन बात, मतलब मुझे ऐसा लगा था मुफ्ती नूर रहमानी साहब बात कर रहे हैं। माशाल्लाह वाकई होता है ना कि वो हर तरफ से उन्हें चीज़ों का इल्म है, जाहिर है वो मुफ्ती साहब हैं, तो आपने इतने बेहतरीन तरीके से आज और वो शोर शराबा नहीं कुछ नहीं बहुत प्यारे अंदाज में, आई एम सुपर इम्प्रेस। मुझे नहीं पता शायद दोनों बाकी की तकारीर इससे भी बेहतर कर जाएं मेरी दोनों बहनें, बट आई एम वेरी हैप्पी एंड सुपर इम्प्रेस। माशाल्लाह माशाल्लाह। फातिमा खान ने तकरीर की और अब अगली तकरीर करेंगी महनूर महमूद। महनूर आइए। बिस्मिल्लाह। अजल से मेरे मुकद्दर में है बिलाए हसन, रहेगी स्याह फगन ता अब रदाए हसन, वो ज़ात पाक है इब्ने अली व सिप्ते नबी, मेरी निगाह का सुरमा है खाक पाए हसन,
सदर अली वक्कार, हज़रत फ़ातिमातुज़्ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के गुलशन के महकते फूल, अपने नाना जान रहमतुल आलमियान की आँखों के नूर, रकबाए दौशन मुस्तफ़ा, सरदारे उम्मत हज़रत इमाम हसन मुश्तबा, एक ऐसी हस्ती जिसकी मुकम्मल तारीफ़ बयान करना नामुमकिन है। विलादत गुलशन पिया मीर रहमतुल आलमीन सरकारे दो जहां के लखते जिगर हज़रत फातिमा के हाँ होना एक ऐसी सआदत जो हज़रत हुसैन के सिवा किसी सहाबी तक को ना मिली। नाम मुबारक रखने वाले खुद अल्लाह सुभाना ताला, जिसके चेहरे की मुशाबियत पैगंबरे खुदा से है और इसे दुनिया में ही हुजूर मेहरबान ने शाबाब अहले जन्ना से नवाज दिया। सदर अली वक्कार, हुजूर अक्दस के ख़ानदान के हर फर्द को अल्लाह ताला ने फ़ज़ाइलो कमालात ख़साइसो करामात का जामिया बनाया है। हक व सदाकत का पेकर, गुफ्तार व किरदार का नसीब, हर तरीके कार बेमिसल बेमिसाल उम्मत के लिए उम्दा नमूना है। हज़रत इमाम हसन मुशबा रसूल, जन्नती नौजवानों के सरदार, निस्बा रसूल, एक ऐसी हस्ती जिसके बारे में हदीस मुबारक है कि मिंबर शरीफ में पहली मुबारक में हज़रत हसन मौजूद थे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माया, ये मेरा बेटा सरदार है, यकीनन अल्लाह इसके जरिए मुसलमानों की बड़ी जमातों में सुलह फरमाएगा। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा उन खुश नसीबों में शामिल हैं जिन्हें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम पर मेरे माँ बाप फिदा। सदर अली वक्कार, आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के फजल व कमाल के लिए यही काफ़ी है कि आप नबूवत के ख़ानदान के चश्मे चिराग हैं, शेर खुदा और सईदा कायनात के नूर नज़र हैं। चमकता है अफलाक पे महरूम मुबी ऐसा, कहाँ होगा विलायत की अंगूठी में नगी ऐसा, खुदा महफूज रखे चश्मे बस से हसन हैदर अलैहिस्सलाम को, बड़ी मुश्किल से पाया है रसूल ने जहनशीं ऐसा। शुक्रिया। बहुत शुक्रिया बेटा, आपने एक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, अन्हा नहीं, आपने बार बार अन्हा कहा है ना, तो उसका थोड़ा सा मेरे ख्याल में ख्याल रखना है। लारेब सज्जाद अगली तकरीर करेंगी। सिप्ते रसूल जिगरे गोशा के अलीउल बतुल, सरदारे जन्नत फिराशत के कुह गिरा, हज़रत हसन रदी अल्लाह ताला अन्हा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने उससे मोहब्बत की समझो मुझसे की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन शाह सवारों के हवाले से बताया कि हसन मेरी हिबत और सरदारी का वारिस है, हुसैन मेरी हिबत। आप आ जाइए, हम अपने जजेस के पास जाएंगे। एक तो रज़ी अल्लाह ताला अन्हो है, रज़ी अल्लाह ताला अन्हा नहीं है, दोनों बच्चियां ये गलतियां कर रही थी, तो इसके ऊपर बहुत, ये तो हम ज़ाहिर है तो पता होना चाहिए, आप लोग मचोर हो गए, यहाँ तक पहुँचे हैं, माशाल्लाह तकरीरी मुकाबले में हिस्सा ले रहे हैं, ये कुछ गलतियाँ तो बिल्कुल नहीं कर सकते। जजेस के पास जाएंगे। नूरा मानी साहब, आपसे आगाज़, पहली बच्ची फ़ातिमा ख़ान, फिर महनूर और लारेब, किसकी तकरीर बेहतर लगी और कुछ गलतियाँ जो बताना भी ज़रूरी है मेंशन करना अगर आप वो करना चाहें। जो पहली बच्ची थी फातिमा, उसके उस बच्ची ने अल्फाज का इंतखाब बहुत शानदार किया, एतमाद बहुत अच्छा था, रवानी बहुत अच्छी। दोनों बच्चियों ने तलफ़ुज़ की गलती की है, आलमीन को गलत पढ़ा, सैयदा शहबाब अहलुल जन्ना तो जिन्ना कह दिया, जन्ना तो जिन्ना में फ़र्क है। इस तरह की जो गलतियाँ ये बहुत ख़तरनाक होती हैं। जब भी आप बेटे कभी भी तकरीर करो तो अपने असाज़ा से पूछा करो। बिल्कुल, तो ये मिस्टेक की और फर्स्ट फातिमा ज़ाहिर है, आप कुछ कहना चाहेंगे? तीनों ने माशाल्लाह अच्छी तकरीर की, लेकिन ज़ाहिर है कि फातिमा ने जो तराकीब इस्तेमाल की, जिस एतमाद के साथ तकरीर की, तो वो बिल्कुल वाज़ह है कि सबकत रखती हैं। और दोनों ने, जैसा कि नूर रहमानी साहब ने कहा कि बाकी दोनों तलफ़ुज़ की गलतियाँ की हैं, और मुश्किल अल्फाज को बेहतर होता है कि पहले किसी को सुना दिया जाए, इसलाह कर लिया, उसके बाद आप उसको इस्तेमाल करें। मैं आज दिन तक ये करती हूं। और आप तराकीब को इस्तेमाल करें तो आपको ईमान होना चाहिए कि कहाँ आप इजाफत इस्तेमाल करेंगे, जैसे जिगर गोशा कहा तो जिगर गोशा ए अली इस तरह कहना चाहिए था, और रहमतुल आलमियान नहीं है, वो रहमत आलमियान है, तो इस तरह की कुछ चीज़ें हैं, लेकिन ज़ाहिर के बच्चे हैं, सीख लेंगे। सीखने का मौका है। असद भाई, उलामा ने जो है इस्लाह भी फरमा दी है, अपनी राय भी बता दी है, तो फातिमा जो है पहले नंबर पे जो थी, बिल्कुल ठीक है, बहुत अच्छी तकरीर की। कांग्रेचुलेशंस फातिमा, आपने बहुत अच्छी तकरीर की, एंड आई एम सुपर इम्प्रेस। जैसे आपने कहा, अगर ये बात सही है कि आपने खुद ये तकरीर लिखी है, तो बेटा आप
लॉन्ग वे टू गो इंशाल्लाह इंशाल्लाह। पंजनत की जानिब से तहाइफ, कोरल ज्यूल्स की जानिब से तहाइफ, तिफल बेबी डायपर्स, हमजा कलेक्शन, मज़ेदार हलीम, एसबीजी जीन्स और क्यूएमएस डिजिटल की जानिब से तहाइफ जा रहे हैं आज हमारी जीतने वाली कंटेस्टेंट के लिए भी और कुछ तहाइफ आप दोनों के लिए भी। और हम बहुत थैंकफुल हैं ये जितने भी हमारे स्पॉन्सर्स हैं तहाइफ भेजते हैं अप्रिशिएट करने के लिए उन नौजवानों को, उन बच्चों को जो यहाँ पर आते हैं और ऐसे मुकाबलों में हिस्सा लेते हैं। और ज़ाहिर है पाकिस्तान टेलीविज़न ने अपनी रिवायत बरकरार रखते हुए इस तरह के कॉम्पटिशन्स को आगाज़ ही पाकिस्तान टेलीविज़न से हुआ, अब तो ज़ाहिर है हर जगह पर हो रहे हैं। बट आई एम हैप्पी के नौजवान जिस तरह हमने आज डिस्कस किया कि हर किस्म के खराफात में मुब्तला हो चुके हैं, हम थोड़ी सी कोशिश करते हैं कि उनकी इस तरफ भी फोकस ज़रा यहाँ पर दोबारा आ जाए और उन्हें समझ आ जाए कि ये कितना ज़रूरी है। और एंड आई एम वेरी हैप्पी कि इतने अच्छे बच्चे जैसे हमें आज फातिमा की सूरत में मिले हैं। फातिमा आपका तो नाम भी बहुत प्यारा है, मुझे लगता है नाम की भी बहुत बरकत होती है, क्या बात है फातिमा, थैंक यू वेरी मच। आप तीनों का हम कंक्लूडिंग रिमार्क्स, आप दोनों से आज सेहत के बारे में बात हुई और सेहत कितनी ज़रूरी है, कितना इसका ख्याल रखना चाहिए और ज़ाहिर है अमानत है हमारे ऊपर और हम इसका क्या हाल कर रहे हैं, कंक्लूडिंग रिमार्क्स। तो फिर असद भाई आपसे कलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी आपने मुझसे सवाल किया तंबाकू के हवाले से, जी जी, कुछ लोगों को मुँह चलाने की आदत होती है, हाँ, तो उनके लिए फिर नुस्खा बताइए। सौंफ आप तवे पे गर्म कर लीजिए, हाँ, मिश्री और बादाम, ठीक है, जिनके गले में रेशा बहुत ज़्यादा गिरता है। अच्छा, आप इस तरह कर रहे होते हैं, अगर बहुत ज़्यादा करेंगे तो आपको गले की तकलीफ हो सकती है, ठीक है, तो मिश्री बादाम और उसके साथ दिखनी मिर्च आप इसको हम वजन पीस लें और आप फांकते रहें, अच्छा, उससे आपकी आंखें भी तेज़ हो जाएंगी, अच्छा, दिखनी मिर्च से आपके गले की जो खराश है वो खत्म हो जाएगी, बादाम से आपकी आंखें और दिमाग मजबूत हो जाएगा, जबरदस्त। अच्छा, इसमें मैं जो यूज करती हूँ, मैं वो कोकोनट के चंक्स भी डाल देती हूँ जो, चले आप एक और बता दूं, वो शख्स जिसको मुंह में छाले बहुत ज्यादा रहते हैं, अगर वो खोपरा वैसे भी फांकते रहेगा पिसा हुआ, तो उससे ये होगा कि वो लुआब जो होगा ना वो उसके छालों को खत्म कर देगा। क्या बात है, कंक्लूडिंग रिमार्क्स। एक बात बड़ी बुनियादी है और वो ये है कि हम ये समझते हैं कि हमारा जिस्म और हमारी मर्जी, ये दरअसल अल्लाह ताला की अमानत है जिस्म, और इसकी अहमियत को आप इस तरह समझ सकते हैं कि जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि किस चीज़ का सवाल किया जाए अल्लाह ताला से, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस नौजवान को तीन बार इस बात की तलकीन की कि वो आफियत तलब करें, और आफियत से मुराद यही है कि उसकी जिस्मानी सेहत, जहनी सेहत, क्योंकि इससे बढ़कर अल्लाह ताला की कोई दूसरी नेमत नहीं है। क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का, आसिफ भाई आपसे कलाम। और इसी के साथ हमारा सेगमेंट अपने अख्तिताम को पहुंचता है, इंशाल्लाह जब ब्रेक होगी, ब्रेक के बाद हम कससुल कुरान के साथ दोबारा हाजिर होंगे, लेकिन जाते जाते आसिफ भाई का खूबसूरत कलाम। मदीना मुनव्वरा से नाद का मुझे कहा गया है आरिफ सुलेमान साहब ने, मैं पेश करने की। क्या बात है, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। अल्लाह ने पहुंचाया सरकार के पद
कुरान में आज जिक्र कौमी समूद पर नजूल अजाब और सोले अलैह सलाम का उस पर इजहार अफसोस। जब कौम ने मौजजे का इनकार किया, वहां से आगाज करते हैं, और फिर अल्लाह ताला की नेमतों की नाशुक्री कर दी, तो नतीजा उनकी तबाही की सूरत में निकला, जिसे अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में मुख्तलिफ पहराए में बयान किया है। इससे मुतालिक इरशाद बारी ताला है कि और वादी हिजर के रहने वालों ने भी पैगंबरों की तकजीब की, हमने उनको अपनी निशानियां दी और वो उनसे मुंह फेरते रहे, और वो पहाड़ों को तराश तराश कर घर बनाते थे कि अमन से रहेंगे, तो हौलनाक चीख ने उनको सुबह होते होते आ पकड़ा, और जो काम वो करते थे वो उनके कुछ भी काम न आए। सूरह कमर में नाज़रीन कराम इनके अजाब का तस्करा कुछ इस तरह से किया गया है, इरशाद बारी ताला है कि सो देख लो कि मेरा अजाब और डराना कैसा है, हमने उन पर अजाब के लिए एक हौलनाक चीख भेजी तो वो ऐसे हो गए जैसे बाढ़ वाले की सूखी और टूटी हुई बाढ़, और हमने कुरान को समझने के लिए आसान कर दिया है तो कोई है कि सोचे समझे। जिन अफराद ने हज़रत सोले अलैहिस्सलाम को शहीद करने की साजिश तैयार की थी, अल्लाह ताला ने उन पर उनकी कौम से पहले ही अजाब नाजिल फरमा दिया और उन पर पत्थर बरसा कर कुचल डाला और उन्हें तबाह कर दिया। जब मोहलत का पहला दिन यानी जुमेरात का दिन आया तो उनके चेहरे जर्द पड़ गए, जैसे सोले अलैहिस्सलाम ने फरमाया था, शाम हुई तो उन्होंने कहा मोहलत का एक दिन तो गुजर गया। जब मोहलत का दूसरा दिन यानी जुमे की सुबह हुई तो उनके चेहरे सुर्ख हो गए। शाम हुई तो उन्होंने कहा मोहलत के दो दिन गुजर गए। जब मोहलत का तीसरा दिन आया यानी हफ्ते की सुबह हुई तो उनके चेहरे स्याह हो गए। शाम हुई तो उन्होंने कहा सोहले की कही हुई मोहलत तो अब ख़त्म हो गई। जब नाज़रीन कराम इतवार की सुबह हुई तो उन्होंने खुशबू लगाई और तैयार होकर बैठ गए और इंतज़ार करने लगे कि देखें हम पर कौन सा अजाब आता है। उन्हें मालूम नहीं था कि उनके साथ अब क्या सलूक होने वाला है और उन पर अब किस तरफ से आसाब आने वाला है। जब सूरज तुलू हुआ तो आसमान से एक शदीद आवाज आई और नीचे से जलजला आया, चुनाचे तमाम अफराद की रूहें परवास कर गईं, वो मर कर बेहिसो हरकत और खामोश हो गए। वो अपने घरों में जैसे बैठे थे वैसे ही बैठे बैठे बेजान अजसाम में तब्दील हो गए और हरकत एक लम्हे को भी ना कर सके। इनमें से न एक सिर्फ लौंडी थी जिसके बारे में आता है कि वो जिंदा बच गई, जो चलने फिरने से माजूर थी और
वो पक्की काफिरा थी ये बताया जाता है, और सौले अलैहिस्सलाम की सख्त दुश्मन थी। जब उसने अजाब देखा तो उसे चलने की ताकत मिल गई, चुनाचे वो इंतहाई तेज़ी से भागी, हत्ता के अरबों के एक कबीले के पास जा पहुंची। उसने तमाम चश्मदीद वाक़या सुनाया और कौम पर आने वाले अजाब की खबर भी दी। फिर उसने पानी मांगा, जब उसने पानी पिया तो उसी लम्हे वो भी मर गई। हज़रत सौले अलैहिस्सलाम ने नाज़रीन कराम कौम की तबाही और बर्बादी पर नहायत गम और हसरत का इजहार फरमाया। अल्लाह ताला ने उनकी इस कैफियत को कुछ यूँ बयान फरमाया है, इरशाद बारी ताला है कि फिर सौले उनसे नाउमीद होकर फिरे और कहा कि ऐ मेरी कौम, मैंने तुमको अल्लाह का पैगाम पहुँचा दिया और तुम्हारी खैर ख्वाही की, मगर तुम ऐसे हो कि खैर ख्वाहों को दोस्त नहीं रखते। सौले अलैहिस्सलाम ने कौम के हलाक हो जाने के बाद कौम से मुखातिब होकर बतौर अफसोस और हसरत ये फरमाया था कि मेरी कौम, मैंने तुम्हें अपने रब का पैगाम पहुंचाया है और तुम्हारा भला चाहा था, यानी मैंने हर मुमकिन तरीके से तुम्हें राह हिदायत पर लाने की पूरी कोशिश तो की अपने कौल व फेल से, अमल से, नीयत से, उसका इंतहाई ख्वाहिशमंद था, लेकिन तुम लोग नसीहत करने वालों को पसंद नहीं करते, उन्हें अपना दोस्त नहीं समझते। यानी तुम्हारी फितरत ना हक की तालिब थी ना उसे कबूल करती थी, इसलिए तुम इस दर्दनाक अजाब का शिकार हो गए जिसमें तुम अबद तक मुब्तिला रहोगे। अब मैं किसी तरह भी तुम्हें इस अजाब से बचा नहीं सकता, छुड़ा नहीं सकता। मैंने तो अपना फ़र्ज अदा कर दिया, यानी तुम्हें अल्लाह का पैगाम पहुंचा दिया, पहुंचाता रहा और तुम्हारी खैरख्वाही की, मैं यही कुछ कर सकता था। इसके बाद अल्लाह जो चाहता है वो करता है। नाज़रीन कराम, हमने तमाम अंबिया के जो वाक़यात अब तक आपके सामने पेश किए, किस तरह से अंबिया कराम ने अपनी जो कौम थी, अक़वाम थी, उन तक तौहीद का पैगाम पहुंचाया, अल्लाह का पैगाम पहुंचाया, लेकिन हर कौम की जानिब से वो तमाम अफराद जिन पर अजाब नाजिल हुआ, उनमें एक चीज़ कॉमन थी और वो थी गुरूर, तकब्बुर। वो हमेशा गुरूर में रहते, तकब्बुर में रहते और सामने वाले को कहते कि तुम झूठे हो, हम सच्चे हैं। आज नाज़रीन कराम, हमारे इर्द गिर्द कोई शख्स अगर हमें अच्छी बात बताने की कोशिश करता है तो हम उस पर नाराज़ हो जाते हैं, हम कहते हैं हमें टोक रहा है, हमारी ज़ाती ज़िंदगी में दखल दे रहा है। अगर कोई शख्स हमें दीन का पैगाम देता है, अगर कोई शख्स हमें कहता है कि फ़लाँ काम तुम गलत कर रहे हो और दीन में असल ये चीज़ है, ये बात है, अगर हम गलती पर होते हैं तो हम ये नहीं कहते कि हाँ मैं गलती पर हूँ, मैं ऐसा काम कर रहा हूँ जो गलत है, मैं भी दुआ करता हूँ अपने हक़ में, तुम भी मेरे लिए दुआ करो, बल्कि हम गुरूर और तकब्बुर में कहते हैं कि तुम कौन होते हो मेरी ज़िंदगी पर कोई बात कहने वाले, तुमने कैसे मुझे ये बताया कि मैं ये कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, अगर मैंने तुम्हारी ज़िंदगी में दखल अंदाजी नहीं की तो तुम मुझे समझाने वाले कौन होते हो। क्या हम भी वैसे ही नहीं होते जा रहे? क्या हम में भी गुरूर और तकब्बुर वैसा ही नहीं है? क्या नाफरमानी में हम भी हर हद को पार नहीं कर रहे? क्या हम भी अपनी ज़िंदगियों में इतने ज़्यादा मसरूफ़ नहीं हो गए कि अल्लाह की जो बात है, जो असल इस ज़िंदगी में करने का काम है, यानी अल्लाह की बात को मानना, आगे पहुँचाना, क्या हम भी उससे बहुत दूर नहीं हो गए? आज अपने गिरबानों में झांकेंगे हम सब मिलकर। मसला ये है, हम सब लोग दूसरों को बताने में बहुत आगे आगे होते हैं, अपने हाल पर गौर नहीं करते। आज मुझ समेत हम सब अपने हाल पर गौर करें और जहाँ जहाँ कोताही है हम कुछ और नहीं कर सकते तो दुआ तो कर सकते हैं कि अल्लाह मेरे हाल पर भी रहम फरमाए और अल्लाह आप सब के हालों पर भी रहम फरमाए। आज की नशियात में इतना ही, कुछ ही देर में इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अफ्तार नशियात में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ नासर। रमज़ान पाकिस्तान।